हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्राइमर के बारे में। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों लगाया जाता है। प्राइमर से पहले हमने जाना था स्किन के बारे में, फिर हमने जाना था सीटम के बारे में। देन ये दोनों प्रोसेस पूरे हो जाते हैं तब स्टेप आता है प्राइमर का। तो गाइज, आपने कभी सोचा होगा कि जब हम पार्लर जाते हैं या पार्लर से मेकअप करवाते हैं तो फेस इतना ग्लोइंग लगता है, वही मेकअप जब हम खुद करते हैं तो बेस फट सा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि जब भी मेकअप की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइमर क्या है। प्राइमर एक मेकअप प्रोडक्ट है। प्राइमर क्यों लगाया जाता है, प्राइमर हमारे मेकअप को सेट करता है, तो इसलिए प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर हमारे मेकअप और स्किन के बीच में एक लेयर बना देता है, जिससे हमारा फाउंडेशन अच्छे से सेट रहता है। जिनके फेस पर लाइक बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो प्राइमर से ओपन पोर्स को फिल करके उनको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है। साथ ही साथ प्राइमर फाउंडेशन का 50% वर्क भी कर देता है। प्राइमर लगाने के बाद अगर हम थोड़ी ही क्वांटिटी में अगर फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड फ्लॉलेस जैसा लुक देता है। एंड प्राइमर हमारे फाउंडेशन को तो सेट करता ही है, इवन हमारे फेस के जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं तो उनको लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेली लाइफ में इतना मेकअप प्रोडक्ट कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो उससे हमारे स्किन को डैमेज होने का बहुत ज़्यादा एक रिस्क रहता है। प्राइमर हमारे कॉस्मेटिक या जितने भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको डैमेज होने से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं प्राइमर लगाने के लिए। तो प्राइमर ओली एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, आपकी चाहे कोई भी स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, तो प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब गाइज, ये कहोगे कि ऑयली स्किन वालों के लिए प्राइमर ज़रूरी है या ड्राई स्किन वालों के लिए ज़रूरी है या दोनों के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमर चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन नॉर्मल कोई भी स्किन हो, प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा फेस पर जो भी हम मेकअप लगाए वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मार्केट में किस टाइप के प्राइमर आते हैं, हमें कौन सा प्राइमर चूज़ करना है। तो गाइज, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी स्किन के बारे में जानना है कि आपकी स्किन कौन सी है, देन उसके बाद ही आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर चूज़ करना है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइमर के बारे में कि प्राइमर कितने तरह के होते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग प्राइमर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें बहुत सारे प्राइमर मिल जाते हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कितने टाइप्स के प्राइमर मिल जाते हैं। बेसिकली प्राइमर चार तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑयल बेस्ड प्राइमर, सेकेंड ऑयल फ्री प्राइमर, सिलिकॉन प्राइमर एंड मेट प्राइमर। तो गाइज, अब वन बाय वन स्किन के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं कि कौन सी स्किन को कौन सा पर्टिकुलर प्राइमर यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वालों के बारे में। तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उनको ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उनको ऑयल फ्री प्राइमर यूज़ करना चाहिए या सिलिकॉन प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्किन आती है ड्राई स्किन। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ कर सकते हैं एंड सिलिकॉन प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्राइमर परफेक्ट है फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए। थर्ड स्किन आती है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन बोथ होती है, ड्राई एंड ऑयली का मिक्सचर होता है, तो वो ऑयल फ्री प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑयल बेस्ड प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं या सिलिकॉन प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जिनके फेस की स्किन सेंसिटिव हो, तो आप प्योर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, वो प्राइमर की तरह ही वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन वालों का उनको इतना कोई भी लाइक इश्यू नहीं रहता है। नॉर्मल स्किन वालों की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, उनके फेस पर सारे प्राइमर सूट हो सकते हैं। तो गाइज, अब मैं कुछ प्राइमर लेके आई हूँ जो बेसिकली कोई मार्स का प्राइमर है या कोई ऑयल फ्री प्राइमर है। तो मेरे पास 4 तरह के प्राइमर हैं जिनको मैं अभी बताने वाली हूँ। ये है मेरे पास मार्स का प्राइमर, ये एक ऑयल बेस्ड प्राइमर है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये मार्स का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्राइमर है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड टाइट रहती है तो ये प्राइमर यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्राइमर है ये है किस ब्यूटी का प्राइमर। ये एक ऑयल फ्री प्राइमर है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है एंड उनको एक्ने या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है, तो ये किस ब्यूटी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। ये परफेक्ट है फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए। थर्ड जो प्राइमर है सिलिकॉन प्राइमर, ये है मेरे पास हिलेरी रोहड़ा का प्राइमर है। एंड गाइज इसमें आपको और भी बहुत सारे ब्रांड के प्राइमर मिल जाएंगे। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा थिन एंड अच्छी है एंड ये सारे प्राइमर ट्रांसपेरेंट प्राइमर है, इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी कलर नहीं है। तो गाइज ये है मेरे पास हिलेरी रोहड़ा का प्राइमर है। इसमें आपको मिस रोज का प्राइमर मिल जाता है, जिसमें आपको मेबलिन का प्राइमर मिल जाता है, ब्लू हेवन का प्राइमर मिल जाता है। एंड फोर्थ जो प्राइमर है मेट प्राइमर है, तो ये नॉर्मल स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा प्राइमर है। तो गाइज आज का हमारा वीडियो हो गया फुल प्राइमर के बारे में। तो आपने अच्छे से प्राइमर के बारे में जान लिया होगा, प्राइमर कितने टाइप्स के होते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा प्राइमर हमें चूज़ करना चाहिए, प्राइमर क्या वर्क करता है। तो ये आज का था वीडियो हमारे फुल प्राइमर के बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करने वाले हैं कंसीलर और करेक्टर के बारे में। कंसीलर कितने टाइप के होते हैं, कौन से स्किन पर कौन सा करेक्टर यूज़ करना है, तो कितने टाइप के कंसीलर आपको मिल जाते हैं, तो फुल डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।